एमपी में मदरसे को लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का विवादित बयान, कहा मदरसों में आतंकी पलते हैं। कि मदरसे बंद, राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्रहित में बंद होनी चाहिए। उषा ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रवाद में बाधा डालने वाले मदरसों को राष्ट्रहित में बंद होना चाहिए, सरकारी मदद भी बंद होनी चाहिए। बलिया गोलीकांड में आज सुनवाई का दिन, मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह की 7 दिन की पुलिस रिमांड की अपील। गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी को ईडी का समन, आज लखनऊ में पेशी। पंजाब के बाद राजस्थान में भी किसान बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी, नवंबर के पहले हफ्ते में बुलाया जाएगा विधानसभा सत्र। गहलोत सरकार के मंत्रिपरिषद में लिया गया फैसला, पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में बनेंगे 3 नए कानून। बिल को लेकर पंजाब के राज्यपाल के साथ बढ़ सकता है कैप्टन सरकार का तनाव, सीएम बोले कानूनी रास्ते की लेंगे मदद। कृषि कानून को लेकर पंजाब सरकार की कवायद को बीजेपी ने बताया मजाक, मुख्तार अब्बास नकवी बोले कुछ लोगों को नहीं है संविधान की जानकारी। कृषि कानूनों के खिलाफ बिल को लेकर पंजाब में जश्न, कांग्रेस ने कई जगह बांटे लड्डू। एक बार फिर भारत की दरियादिली आई सामने, भारत ने चीनी सैनिक को चीन के हवाले किया। कल भारतीय सीमा में घुस गया था चीनी सैनिक, चिशूल मोल्डो इलाके में बीती रात सैनिक को वापस भेजा गया। मुंबई में महिलाओं के लिए बड़ी पहल, आज से लेडीज स्पेशल ट्रेन शुरू। मुंबई लोकल की तर्ज पर ही चलेगी महिलाओं के लिए पिंक स्पेशल ट्रेन, माटुंगा से रवाना हुई ट्रेन। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, 2500 मार्शल अलग अलग जगहों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए करेंगे काम। दिल्ली में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस के जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मियों को किया नमन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि, कहा उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस का कार्यक्रम, सीएम योगी ने शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। मुंबई में भी शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शहीदों को किया नमन। पूरे देश में मनाया जा रहा है पुलिस स्मृति दिवस, 21 अक्टूबर 1959 को चीन सीमा पर शहीद हुए थे 10 जवान। बिहार में फिर हो सकती है नीतीश की वापसी, लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे में एनडीए को 133 से 143 सीटों का अनुमान। बिहार में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को मिल सकती हैं 88 से 98 सीटें, लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे में अनुमान। एनडीए से अलग हुए एलजेपी को करीब 6% वोट का अनुमान, मिल सकती है 2 से 6 सीट। 2015 के मुकाबले कम हुई नीतीश की लोकप्रियता, 31% लोग मानते हैं बेहतर सीएम, 27% लोगों की पसंद के साथ तेजस्वी दूसरे नंबर पर। लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे का आकलन, विधानसभा चुनाव में बिहार के लोगों के लिए विकास, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। औरंगाबाद में तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में हंगामा, आरजेडी नेता पर चप्पल फेंकने की कोशिश। समस्तीपुर में तेज प्रताप का अनूठा अंदाज, अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जानवरों के लिए बने किसान। बिहार के चुनाव प्रचार में लगा भोजपुरी गीतों का तड़का, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एनडीए के प्रचार के लिए तैयार किया वीडियो। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 370 की दोबारा बहाली की कोशिश करने वालों पर किया पलटवार, बोले गुपकार घोषणा से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। महाराष्ट्र के नंदुरबार में खाई में गिरी बस, 5 की मौत, 35 लोग घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित, कोरोना पर देशवासियों को किया सावधान, कहा जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी चेतावनी, बोले अति आत्मविश्वास से बिगड़ सकता है काम, त्योहारों में बचकर रहना बेहद जरूरी। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों को दिलाया भरोसा, कहा युद्ध स्तर पर हो रहा है काम। देश में कम हुआ कोरोना का कहर, 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा नए मामले, 75 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। सीतामढ़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री की सभा में टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम, मंच पर भीड़ देखकर खुद ही लोगों को मंच से उतारने लगे राधामोहन सिंह।
उस्मानाबाद में बारिश से नुकसान का मंत्री ने लिया जायजा, बाइक पर बैठाकर किया दौरा। हुबली में भारी बारिश के बाद आफत, कई इलाकों में भरा पानी। पुणे में बारिश से लगातार हालात खराब, कई इलाकों में पानी भरा। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आ रहे सैलानियों को सौगात, जल्द शुरू होगी फेरी बोट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ललितपुर में एक ही परिवार के चार बच्चों की खदान में डूबने से मौत, योगी सरकार ने दिया मदद का भरोसा। बरेली में लव जिहाद को लेकर थाने में हंगामा, एक आरोपी के लाल टीका लगाए फोटो हुए थे वायरल। धरने दे रहे बीजेपी और हिंदू संगठन के नेताओं पर लाठीचार्ज, दारोगा समेत कई सिपाही सस्पेंड, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। प्रयागराज में बाप बेटे को गाड़ी से उतारकर बुरी तरह पीटा, खुलेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें वायरल। दुर्गा पूजा पंडालों में जनता की एंट्री बैन करने पर रिव्यू पिटीशन, आज होगी सुनवाई। अहमदाबाद में गरबा आयोजन पर बैन के बाद भी लोगों का जोश कम नहीं, तैयार होकर घर में ही खेल रहे हैं गरबा। पाकिस्तान में विपक्षी तूफान में हिली इमरान सरकार, शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने की जांच। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने दिए जांच के आदेश, 18 अक्टूबर को सेना ने कैप्टन सफदर को किया था गिरफ्तार। सिंध प्रांत की पुलिस ने पाकिस्तानी सेना के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ किया विद्रोह, 70 से ज्यादा शीर्ष पुलिस अधिकारी छुट्टी पर चले गए। पाकिस्तान के खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शन, जेल में बंद नेताओं को रिहा करने की मांग। पाकिस्तान के शहर कराची में दिखी नवरात्रि की धूम, पूजा पंडाल लगाकर विधिवत हो रही है मां दुर्गा की पूजा।